खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 TV को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, पूरे देश में सर्दी का आक्रमण जारी है। सुबह के समय कोहरे और दिन भर चल रही शीतलहर ने जीवन को थाम सा दिया है। धूप नहीं निकलने और कड़ाके की ठंड का आम जनमानस पर सीधा असर पड़ रहा है। शाम ढलते ही बाजार खाली हो जा रहे हैं, रात सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। सर्दी के इस आक्रमण से लोगों की जिंदगी हलकान हुई पड़ी है। हम आपको देश प्रदेश में सर्दी के आक्रमण की खबरें तो दिखाएंगे ही, आपको यह भी बताएंगे कि इस कड़ाके की ठंड से भगवान भी किस कदर परेशान है। तो पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। सर्दी से परेशान लोगों के लिए अभी राहत मिलने के आसार भी नहीं है। कश्मीर से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतकाल लगातार जारी है। कश्मीर में चिलिया कला शुरू हो चुका है, यानी कि 40 दिन जमकर सर्दी पड़ने वाली है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों के ठिठुरन पर भी इजाफा कर दिया है। उत्तर भारत में नहीं थम रहा सर्दी का सितम, ठंड से आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। श्रीनगर में ठंड ने 3 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ा। उत्तराखंड के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से भी कम। पूरे उत्तर भारत को ठंड से राहत नहीं मिल रही है। दिल्ली में तापमान हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है। इस साल का 25 दिसंबर कई सालों में सबसे सर्द दिन रहा। हर दिन तापमान में रिकॉर्ड गिरावट आ रही है। ऊपर से शीतलहर और कोहरे की मार ने ठंड के सितम को असहनीय बना दिया है। कुछ ऐसा ही हाल वाराणसी का भी है। यहाँ का गंगा तट सूर्योदय के वक्त सैलानियों और श्रद्धालुओं से गुलजार रहता था, लेकिन ठंड की वजह से वो रौनक नहीं रही। वाराणसी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। नवाबों का शहर लखनऊ भी शीतलहर की चपेट में है। यहाँ न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है, लेकिन इसे हम ठंड का महज ट्रेलर भर कहें तो गलत नहीं होगा। यूपी में 4 डिग्री तापमान के साथ बहराइच सबसे ठंडा शहर रहा। कई शहरों में न्यूनतम पारा सामान्य से 2 से 7 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया। सुबह रात को घने कोहरे से दृश्यता 200 मीटर और उससे भी कम के आसपास दर्ज की गई। अच्छा, ठंड बहुत हो रही है। ठंड के लिए ठंड बहुत हो रही है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिली है। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पे पड़े हैं फाटक के पास, स्टेशन के पास। कहाँ जा रहे हैं? चंडीगढ़। ठंडी है? बहुत ज्यादा ठंडी है। बचाव के लिए क्या जो इंतजाम है आपको लगता है दुरुस्त है? नहीं, बहुत अच्छी सेवा है। ठंड में रुकते हैं? जी जी, अभी ट्रेन के हालात आपके? ट्रेन 3 घंटे लेट है सर। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? सथरियों। उत्तराखंड के 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री से भी कम रहा। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि सर्दी लोगों को अभी और सताएगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में शीतलहर चल रही है, जिससे कि तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा सकती है। दिल्ली में ठंड के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का अनुमान है। कहा जा रहा है कि शनिवार तक ऐसे ही हालात बने रहेंगे। तहसील प्रशासन द्वारा इस समय सर्दी, भीषण सर्दी को देखते हुए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह अलाव जलवाए जा रहे हैं। निर्धारित स्थल पर जो भी चयनित किए गए हैं वहां पर अलाव की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही साथ रैन बसेरा जो भी बने हुए हैं उनका निरीक्षण करके सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को सर्दी ना लगने पाए।
कल रात भ्रमण करके जो भी निर्धन व्यक्ति हैं, जो भी खुले में व्यक्ति मिले, उनको घर घर जाकर के या रोड पर जाकर। सरकार अभी इस समय तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अलाव अलाव इधर गोविंद नगर साइड में, इधर बर्रा साइड में पूरी जगह घूम के आया हूँ, कहीं भी कोई अलाव अलाव कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और गरीबों की सर्दी बड़ कुकड़ रहे हैं, ठंडी में बहुत ज़्यादा पड़ रही है। इसलिए सरकार से अनुरोध करूँगा कि डिस्ट्रिक्ट डीएम से भी कि आसपास हमारे इधर बिहार क्षेत्र में जो बर्रा क्षेत्र में कहीं भी अलाव अलाव नहीं जल रहा, इसका इंतजाम कराया जाए। और मुफ्त में जो बड़े लोग हैं उनसे हम अनुरोध करना चाहेंगे जगह जगह चाय बंटवाएं, जिससे कि पब्लिक को कुछ आराम मिले। हरियाणा और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में शीतलहर जारी है। दोनों राज्यों में हरियाणा का नारनौल सबसे ठंडा रहा, जहां पारा 1.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने यहां बताया कि नारनौल में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे चल रहा है। बठिंडा में 4.4 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ पंजाब में सबसे ठंडा स्थान रहा। मौसम विभाग के अधिकारी ने बताया कि चंडीगढ़ समेत इन दोनों राज्यों में ज्यादातर स्थानों पर कोहरे के कारण दृश्यता कम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। तो पहाड़ों की बर्फीली हवाओं के चलते पूरे उत्तर प्रदेश में ठंड ने कहर बरपा रखा है। कड़ाके की ठंड से इंसान बेजुबान, सब कांप उठे हैं। दिन भर सूर्य देव की लुका छिपी के कारण पारा शून्य की तरफ जा रहा है। ठंड के मारे लोग घरों को कैद होने में दरअसल मजबूर से हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गुरुवार को अधिकतम तापमान 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले दिनों में रातें और सर्द भरी होंगी, साथ ही कोहरे और बारिश से भी आम लोगों को जूझना पड़ सकता है। पहाड़ों से निकलकर आने वाली सर्द हवाओं से मैदानी इलाके कांपने लगे हैं। 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़के तापमान ने शहरवासियों की कंपकपी छुड़ाकर रख दी है। कड़ाके की ठंड पड़ने के बाद अब शहर में धुंध और कोहरा गहराएगा। शहर में जोर पकड़ रही सर्दी और गिरते पारे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ठंड के कारण पिछले एक हफ्ते के दौरान कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं किसानों के मवेशी भी काल के काल में समा रहे हैं। सर्दी को देखते हुए डीएम ने सभी स्कूलों में अवकाश के आदेश दे दिए हैं। ठंड का प्रकोप झेलने को मजबूर लोग। सर्दी का प्रकोप जारी है। गुरुवार को सूर्यदेव के ना निकलने और ठंडी हवाएं चलने से सर्दी का पूरा असर बरकरार रहा। ठिठुरने वाली ठंड ने आम आदमी के साथ जीव जंतुओं पर भी असर डालना शुरू कर दिया है, जिस वजह से दिनचर्या भी प्रभावित होने लगी है। ठंड के कारण हृदय के रोगियों की संख्या में एकाएक इजाफा देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में हृदय रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है। लोग चाय कॉफी पीकर ठंड से छुटकारा पाने की कोशिश में हैं। सर, ठंड तो बहुत है, पछुआ हवाएं बहुत तेज चल रहे हैं और गलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन किसी तरह काम के लिए निकलना पड़ रहा है, जरूरी काम है इसलिए करना ही पड़ेगा। और ठंडी भगाने के लिए हम लोग जैकेट वगैरह गर्म कपड़े पहन रहे हैं और रास्ते में रुक रुक के चाय भी पी रहे हैं, तो ठंडी बढ़ी है, इसमें काफी ज्यादा ठंड है। सबसे ज्यादा कमजोर वर्ग प्रभावित। लगातार बढ़ रही ठंड ने सबसे ज्यादा समस्या कमजोर वर्ग के लोगों के सामने खड़ी कर दी है। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग कड़ी मशक्कत के बाद परिवार का पेट भरने के लिए 2 जून की रोटी जुगाड़ने में लगे हैं। ऐसे में उनके सामने अपने बच्चों को ठंड से बचाने की समस्या विकराल रूप ले रही है।
खुली छत के नीचे जिंदगी बसर करने वाले लोगों का लगातार बढ़ती ठंड के कारण दिन तो किसी तरह कट जाता है, लेकिन रात बेदर्द हो जाती है। उनके बच्चे भी भगवान भरोसे ही हैं। गर्म कपड़े खरीदने की क्षमता उनके पास नहीं है। अच्छा, ठंड बहुत हो रही है, ठंड के लिए ठंड बहुत हो रही है, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिली है आपको? नहीं, अभी तक नहीं मिली है। कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पे पड़े हैं फाटक के पास, स्टेशन के पास। हालांकि नगर पालिका के अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि शहर में अलाव और रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन कैमरे में उनके दावों की पोल खुलती नजर भी आ रही है। बना हुआ है इंदिरा बाल भवन बैराज रोड के, उसमें एक कार्यदायी संस्था है ग्रामीण विकास संस्थान अलीगढ़ की, उनको पूरा केयर टेकर के रूप में दे दिया गया और समय समय पर नगर पालिका के टीम द्वारा स्वयं मेरे द्वारा इसका सुपरविजन किया जा रहा है। 50 बेड है यहाँ, दिव्यांगों के लिए भी अलग से है, महिला और पुरुष शयनागार अलग से है, पानी पीने की व्यवस्था है, प्रकाश की व्यवस्था है और जरूरतमंद लोगों के लिए वहाँ बिल्कुल निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था की खुली पोल, सर्दी में अलाव और रैन बसेरी की व्यवस्था का कमोबेश प्रदेश के सभी शहरों में खस्ता हाल ही देखने को मिला। प्रशासनिक व्यवस्था चरमराई हुई सी नजर आई। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की सर्दी ने जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। ये लखनऊ का नज़ारा है, यहाँ लोग सड़कों पर पैदल भी चला करते थे और तमाम सवारी गाड़ियाँ दिखाई पड़ती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि केवल यहाँ पे बंद गाड़ियाँ ही चल रही हैं, कार चल रही हैं, टैक्सी चल रही हैं। यानी शाम ढलते ढलते लोग अपने घरों में दुपक जाते हैं और सुबह जब कोहरे से भरी सर्दी रहती है तब भी लोग घर से नहीं निकल रहे हैं। राजधानी लखनऊ के सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं और जिला प्रशासन की तरफ से अलाव और कंबल वितरण का कार्यक्रम भी चल रहा है। कैमरामैन प्रियांश के साथ नरेंद्र यादव, R9 लखनऊ। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख शहरों में सर्दी का आक्रमण किस कदर जारी है। सर्दी के आक्रमण से आम जनजीवन खासा प्रभावित है। तस्वीरों में आप देख सकेंगे कि किस कदर लोग सर्दी का सितम झेल रहे हैं। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सर्दी ने गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है, मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा। गोरखपुर में लोग ठंड से बचने के लिए जगह जगह अलाव का सहारा ले रहे हैं। कन्नौज, बिजनौर और गाजियाबाद समेत पूरे प्रदेश में सर्दी का सितम जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हुए पड़े हैं। तो ये शहर आप देख रहे हैं, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर, कन्नौज, बिजनौर, गाजियाबाद। तो आगरा का अधिकतम तापमान 14.2 डिग्री और न्यूनतम की बात की जाए तो 5 तक पहुंच गया है लगभग। इलाहाबाद की बात की जाए, अधिकतम 20.5 डिग्री, न्यूनतम 9.6 डिग्री। बहराइच अधिकतम 15.2 है लेकिन न्यूनतम 3 डिग्री के आसपास पहुंच गया। बांदा अधिकतम तापमान 16.5 डिग्री लेकिन न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री के आसपास। बरेली अधिकतम तापमान 12.1 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री। गोरखपुर अधिकतम तापमान 14 डिग्री, न्यूनतम 5 डिग्री के आसपास। इसके अलावा झांसी की बात करें, अधिकतम 18.6 डिग्री और न्यूनतम 6 डिग्री। कानपुर का अधिकतम 16.4, न्यूनतम 7.6। लखनऊ अधिकतम 17.4, न्यूनतम 6.7। मेरठ अधिकतम यहां 11.6 डिग्री है और न्यूनतम 5.6 डिग्री। मुजफ्फरनगर में भी 12 अधिकतम 10 डिग्री और न्यूनतम उसका आधा 5 डिग्री के पास। पूरा देश कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में स्कूल बंद हैं, जनजीवन अस्त व्यस्त है, इंसान जानवर सभी सर्दी के प्रकोप से परेशान हैं। ऐसे में भगवान गणेश को जाड़े से बचाने के लिए उनके भक्तों ने क्या खास इंतजाम किए हैं वो आप देखिए। ठंड ने मचाया कोहराम,
देवी देवता भी हुए सर्दी से परेशान। भक्तों ने दिखाई भगवान में आस्था। रुपयों की जगह रजाई कंबल किए दान। सर्दी के प्रकोप के चलते इंसान तो इंसान, भगवान भी ठंड की जद में आ चुके हैं। सर्दी से बचने के लिए भगवान को भी कंबल रजाई का सहारा लेना पड़ रहा है। भगवान को भी चादर उढ़ाई जा रही है ताकि ठंड के मौसम में भगवान को कुछ राहत मिल सके। वाराणसी के बड़ा गणेश मंदिर परिसर में विराजमान नंदी बाबा को पुजारी गर्म चादर उड़ाकर सर्दी से बचाते नजर आ रहे हैं। ये बनारस में इस समय ठंडी काफ़ी पड़ रही है और अमूमन देखा जाता है कि दिसंबर के लास्ट वीक या जनवरी के फर्स्ट वीक में इस तरह की ठंडी पड़ती है, मगर इस बार ठंड जो है मध्य दिसंबर में ही काफ़ी पड़ रहा है और यहाँ का तापमान इस समय लगभग 10 से 11 डिग्री सेल्सियस है। श्रद्धालुओं का कहना है कि इस बार सर्दी पहले से ज्यादा है। वाराणसी में पारा 10 डिग्री तक जा पहुंचा है। ऐसे में बड़ा गणेश मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं को रजाई कंबल पहनाया जा रहा है। आम इंसान के साथ साथ ऐसा माना जाता है कि हम लोग श्रद्धा है तो भगवान को भी जो है कहीं ना कहीं ठंड का एहसास होता है और उस भक्तों ने भगवान को भी चढ़ावे के रूप में रजाई गद्दा का चढ़ावा चढ़ाया है। बढ़ती ठंड के चलते श्रद्धालु दूध और मिठाई की जगह भगवान को गर्म बिस्तर और कपड़े चढ़ा रहे हैं। भगवान गणेश के भक्तों ने शीतलहर से उन्हें बचाने के लिए उन पर भी दान में कंबल चढ़ाया है। ठंड इस बार ज्यादा पड़ रही है, बाबा को रजाई वजाई पहनाया जाता है। जैसे गर्मी में कूलर एसी पंखा ये सब भी लगता है बाबा के सामने, तो ठंड में भी उसी तरह इंतजाम बाबा का होता है, रजाई उजाई ओढ़ाया जाता है। भगवान गणेश के अलावा मंदिर में स्थापित दूसरे देवी देवताओं को भी भक्तों ने छोटे छोटे गर्म स्वेटर दान दिए हैं। मूर्ति के साइज की गर्म कैप भी उन्हें चढ़ाई गई है। ठंड का सिकन तो ज्यादा है क्योंकि पहाड़ों पे बर्फबारी हुई है, इसलिए ठंड ज्यादा पड़ रही है तो बाबा को रजाई पहनाए हुए हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी का कहना है कि सर्दियों की तरह गर्मियों में भी गणेश भगवान के लिए पंखा, कूलर और एसी का बंदोबस्त किया जाता है। R9 टीवी के लिए वाराणसी से राजू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वाराणसी की तरह मथुरा में भी भगवान को ठंड से बचाने के लिए भक्तों ने रजाई कंबल की व्यवस्था कर डाली। उनके लिए ग्लव्स और मोजे तक बंदोबस्त कर दिए गए। सर्दी से बचाने के लिए ठाकुर जी को और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, रिपोर्ट में समझिए। पहाड़ों में बर्फबारी के चलते मथुरा में भी पारा गिरता जा रहा है। बढ़ती ठंड मथुरा वासियों को परेशान कर रही है, मगर ठिठुरते मौसम में ठाकुर जी को सर्दी का एहसास ना हो इसके लिए भक्त तरह तरह के इंतजाम भी कर रहे हैं। ठाकुर जी के राधा वल्लभ के दर्शन करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज तक ऐसे दर्शन नहीं हुए, बहुत अद्भुत दर्शन हुआ है माता रानी के। यहाँ भी ठाकुर जी को गर्म वस्त्र चढ़ाए जा रहे हैं। सर्द लहरों से बचने के लिए उनको ग्लव्स और गर्म मोजे भी पहनाए जा रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर से होके आ रही हूँ और अब इस टाइम मैं राधा वल्लभ मंदिर में हूँ और मुझे बहुत प्यारे दर्शन हुए हैं। मैं आज पहली बार आई हूँ राधा वल्लभ मंदिर में और मुझे राधा रानी ने बहुत प्यारे, बहुत सुखद दर्शन दिए हैं। राधा वल्लभ मंदिर में विराजमान ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे भक्त अपने अपने आराध्य को इस रूप में देखकर खुद को धन्य मान रहे हैं। ठंड से भगवान को बचाने के लिए लोग बाजार से गर्म कपड़ों की खरीदारी कर भगवान पर चढ़ा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि जिस तरह वो अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े खरीद रहे हैं, वैसे ही ठाकुर जी को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों की खरीदारी की जा रही है। हमने उनके लिए कुछ ना कुछ लेकर जाना है, जैसे हम अपने बच्चे के लिए लेके जाते हैं तो वैसे हमने ठाकुर जी के लिए, हमें देखते ही वो पसंद आया,
नई चीज लगी एकदम, तो हमें अच्छा लगा। आस्था यहीं खत्म नहीं हुई, श्रद्धालुओं ने भगवान के आगे अंगीठी भी जलाई है ताकि उनका गर्भगृह गर्म बना रहे। भगवान के यहाँ भी ठंड का पूरा मौसम था, बिल्कुल जिस हिसाब से ठंड पड़ती है उस हिसाब से भगवान की ड्रेस भी थी, उन्होंने मोजे पहन रखे हैं, सारी चीजें, सिगड़ी लगी हुई है भगवान की, सब बढ़िया से है। सर्दी में भगवान कृष्ण के खाने पीने का भी खासा ध्यान रखा गया है। ठंड से बचाव के लिए विशेष तौर पर ठाकुर जी के लिए खिचड़ी तैयार की जाती है। तीन प्रकार के भोजन उसमें हो जाते हैं, एक सुबह खिचड़ी का, फिर दोपहर में राजभोग और रात्रि में शयनभोग। वैसे भोजन के हिसाब से दो टाइम है, राजभोग का और शाम रात में शयनभोग। जहां एक ओर ठाकुर जी के गर्म श्रृंगार वाला रूप देखकर भक्त खुद को धन्य मान रहे हैं, वहीं कड़ाके की सर्दी में कान्हा के गर्म कपड़ों की बिक्री बढ़ने से दुकानदार भी खुश नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी। चलिए दीजिए इजाजत, देखिए सिर्फ न्यूज़ R9 टीवी। नमस्कार।